11 दिसंबर को जब हमारी सरकार ने शपथ ली थी और जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में जो हमें 5 साल का मैंडेट उन्होंने दिया उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक फैसला किया था कि नौकरियों में व्यापक भ्रष्टाचार जो है उस संदर्भ में कड़ाई से निपटा जाए। मैंने 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी और कुछ पुलिस के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में हो, ये जो नौकरियों से संबंधित घोटाले हैं इसमें जो भी गिरोह सम्मिलित होगा और जो भी एग्जामिनेशन होने वाले होंगे उस समय ज्यादा सक्रिय होगा। हमारी सरकार ने जाल बिछाया, आईजी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस जाल के संदर्भ में 12-13 तारीख के बाद सब प्रकार से वर्बल ऑर्डर दिए गए थे कि सारी जानकारियां प्राप्त की जाए, क्योंकि हमारी सरकार ने यह कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे। हमारी सरकार ने कहा था कि हम गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को GOIT का पेपर होना था, उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की।